बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक मरतबा फिर हमारी वापसी हो गई और कहीं से भी गुजर जाएं कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आराम से प्यार से बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। आंटी हैं, सुबह सुबह इन्होंने रोज़ा रखना है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कैमरे के सामने कोई आ जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मत ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है, लाइव शो है, लाइव शो में अक्सर ऐसा हो जाता है। और मुझे, मैं जब आया था तो मुझे समझ में नहीं आता था लोग मुझसे क्यों कहते हैं कि मैं माइक छुपाऊँ। भाई माइक तो लगा हुआ ही होता है, आपको पता ही है, तार तो जा ही रही है, बगैर माइक के तो मैं बात ही नहीं कर सकता, आप तक आवाज़ ही नहीं पहुँचेगी। जितने रियल रखेंगे आप चीज़ों को उतना ही रियल होगा। अक्सर औकात शुरू में ना बहुत सारे लोग मुझे कहा करते थे शायद, कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि आप मेकअप वेकअप करते, मैं करता ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह करता ही नहीं, मतलब ये छोड़ दीजिए कि कम करूँ या ज़्यादा करूँ, मैं करता ही नहीं हूँ। मुझे कभी कभार जब बहुत ज़्यादा मेरे आँखों के गिरद हल्के हो जाते हैं ये जागने की वजह से, तो कभी इन्हें रोकने के लिए वो लगा देते हैं कोई फाउंडेशन वगैरह, पता नहीं क्या होती, वो नीचे लगाते, कभी कभी, वो भी कभी कभी, वरना नहीं। अच्छा मकसद क्या है? मकसद ये है कि ऐसा नहीं है, सच बोलना चाहिए हर हालात में, कोई मसला नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। हम नॉर्मल से लोग होते हैं, इंसान को इंसान ही समझें, इंसान के अलावा कुछ नहीं है। जितने अच्छे आप हैं उतना ही अच्छा मैं हूँ, जितने बुरे आप हैं उतना ही बुरा मैं हूँ, हम तो सब बराबर ही हैं। और कह ही दिया गया है, सबसे बड़ा सबक क्या है? कोई अरबी किसी अजमी से बेहतर नहीं, कोई गोरा किसी गोरे को किसी काले पे कोई फौकियत नहीं है ना, कोई बदू किसी गैर बदू से बेहतर नहीं, हम सब बराबर हैं। तो झगड़ा किस बात का भाई, किस बात का झगड़ा है? झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा एनीवे, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम कयामत की निशानियों के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या सुनने को मिलता है? क्या वो चीज़ें हमारे माशरे में आजकल राइज हो रही हैं? मदनी साहब से पूछता हूँ, मदनी साहब आप देखते हैं उन चीज़ों को राइज होते हुए? जी बिल्कुल सैर भाई, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दी थी, वो आज नमूदार होने जा रही हैं। यकीनन देखें कुर्ब क़यामत की जो निशानियाँ जब हम देखते हैं अपने कुर्ब जवार में, तो बेशुमार ऐसी निशानियाँ मिल रही हैं, जैसे कि जो है अमानत का ख्याल करना। अब अगर आपको कोई चीज़ ऐसी दी जा रही है कि आप उसके अमीन बन जाएं, लेकिन आप उसके खायन बन जाते हैं, इसी तरह जो है पड़ोस के जो हुकूक हैं, हम क्या करते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाकर हम उसके दरवाजे पे उसके करीब छोड़ देते हैं, हालांकि ये सख्त सख्त मना है। अच्छा मैं आपको बताऊँ, हमसायगी के भी हुकूक होते हैं, आरजी हमसायगी के भी हुकूक। आरजी हमसायगी क्या होती है? अगर आप किसी के साथ सफ़र कर रहे हैं तो वो आपका आरजी हमसाया है, बिल्कुल, ये भी इसके भी हुकूक है। आप सोचिए कि हमारा मज़हब किस कदर रोशन है, किस कदर कुशादा है, लेकिन हम ही शायद समझने में कासिर होते हैं। अब से थोड़ी देर के बाद कराची में अजान का वक्त हो जाएगा, इससे पहले कि हम वहाँ जाएँ मैं हमज़ा से कहता हूँ, हमज़ा तुम आ जाओ ज़रा, एक नादिर रसूल मकबूल जो है वो अगर हमज़ा आपके सामने पेश कर सकें, और इसके बाद हम कराची की अजान की तरफ चले जाएँगे। लेकिन और अगर इस दौरान ये हो जाए तो हम कराची की अजान की तरफ भी जा सकते, आपके पास लगा हुआ है सॉरी, तो आइए बेटा ज़रा तशरीफ़ पेश कीजिए। कुर्बान में उनकी बख्शीश के, कुर्बान में उनकी बख्शीश के, मकसद भी जुबान पर आया नहीं, कुर्बान बख्शीश के, मकसद भी जुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया के दामन में हमारे समा, मांगे दिया और इतना दिया, ईमान मिला उनके सदके के
उनके सदके रहमान मिला उनके सदके वो क्या है जो हम